हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी ओरियो चॉकलेट मिल्क शेक, जिसे बहुत ही इंस्टेंट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ओरियो की 30 रुपये वाली बिस्किट ली है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, आप कोई भी अपनी मनपसंद फ्लेवर की ले सकते हैं। तो हमें इसकी हाफ ही इस्तेमाल करनी है और हाफ हम थोड़ा सा डेकोरेशन में या फिर चंक्स वगैरह डालने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी या फिर नॉर्मल चीनी। तो मैं यहाँ पर होल चीनी ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच, जिससे कि थोड़ा मीठा रहे। यदि आपको कम मीठा पसंद है तो आप कंडेंस मिल्क या फिर कम चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से, ये देखिए, पाउडर फॉर्म में कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर 1/2 कप मिल्क और 1/2 कप हम इसमें डाल देंगे ये दूध की क्रीम है। आप इसमें दूध की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हमने अच्छी तरह से, देखिए, ग्राइंड कर दिया है 1-2 पल्स में करके। तो मिल्क शेक अब हमारा तैयार है। अब हम यहाँ पर ग्लास को गार्निश कर लेते हैं चॉकलेट सिरप से। अगर आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं मिल्क शेक में जब हम ग्राइंड करते हैं। दूध हमने यहाँ पर ठंडा लिया है और क्रीम भी हमारी ठंडी थी, तो सभी चीज़ें हमें ठंडी ही इस्तेमाल करनी है। तो अच्छी तरह से, ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल सकते हैं। अब हम मिल्क शेक को डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। पोर कर देते हैं दोनों में ही। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चॉकलेट सिरप लगा देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये पसंद आता है। अब इसके ऊपर से हम रख देंगे थोड़े से ओरियो, जो हमारे बिस्किट्स हैं उसके चंक्स। ये देखने में अच्छी लगेगी और खाने में इसके बाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो झटपट से बनकर तैयार होने वाला हमारा ओरियो चॉकलेट मिल्क शेक तैयार है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।